5,000 रुपए ने फिर रोक दी नवजात की सांसें। परिजनों ने की सीएमओ से शिकायत, सीएमओ ने जांच का आलापार रा। इलाज के अभाव में नवजात ने तोड़ा दम, बड़ा सवाल, आखिर अपने लाडलों की कारस्तानी पर कार्यवाही करने में क्यों लड़खड़ा रही जिले में बैठे बड़े वाले सीएमओ साहब की कलम। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य प्रदेश बनाने का सपना दिखाने वालों, जमीन की हकीकत भी जान लीजिए। जनपद जालौन के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम दहागुहा से एक महिला प्रसव कराने बाबई स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां धरती के भगवान होने का दम भरने वाली अस्पताल में तैनात एक प्रीति नामक स्टाफ नर्स ने प्रसव से पीड़ित महिला के परिजनों से हालत गंभीर बताते हुए स्वास्थ्य केंद्र बाबई से जिला अस्पताल रेफर करने को कहा, जिससे परिजन परेशान हो गए। लेकिन कुछ समय बाद वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, मतलब कि अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स प्रीति ने 5,000 रुपए देने का फरमान सुना दिया और बता दिया कि फ्री में इलाज करने का सिर्फ दिखावा है। जो जो सरकार करती है या कहती है वो वादे हवा हवाई होते हैं। फिलहाल परिजनों ने आनन फानन में रुपए का इंतजाम किया और पेश कर दिए स्टाफ नर्स के आगे हरे पीले नोटों की गड्डिया। फिर शुरू हुआ असली खेल और दिखा दिया प्रीति नाम के स्टाफ नर्स ने अपने हाथों का कमाल और रोक दी नवजात की सांसें। ये लाश है सिस्टम की, ये लाश है हाकिमों के वादों की। तो आओ आओ सारी योजना, मातम मनाओ, आंसू बहाओ, छाती पीटो कि एक और मासूम की सांसें छीन ली गई। आंखों के झरोके से संसार को देखने की आस कोक से बाहर आते ही खत्म हो गई। दम घुट गया, सांसें महंगी हो गई और जब कोक से बाहर आया माँ का लाल तो लाश बन चुका था। स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने का दावा करने वालों, ये मौका है जश्न मनाने का। तो मनाओ जश्न कि सरकारी अभिलेखों में एक और लाश का नाम दर्ज करवा दिया गया। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है, क्या बात है ऐसी जो आपने मीडिया को? अच्छा कहाँ? ये जनपद जालौन के बाबई स्वास्थ्य केंद्र में तैनात नर्स है। महिला होने से ज्यादा सरकारी मत का असर हुआ तो एक महिला की कोख उजड़ जाने के बाद मुस्कान की दुकान लगा ली तो क्या हुआ, जो सरकारी पगार पर पल रहे लाल की वजह से एक माँ का लाल मर गया। खैर सरकारी अस्पताल में आने वालों की नीति में पहले ही लिख दिया गया है और किस्मत में जो लिखा है कितने उसे रुपए मांगे जा सकता है। फिलहाल मर गया एक और मासूम लेकिन उसे बचाया जा सकता था, लेकिन गरीब शब्द ने उसके बच्चे की जान ली, वरना वो भी किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाता। यूं ही सरकारी बेगारों के पास मत्था नहीं पीटता। आ गए पैसे घर से, फिर 1,000 था, फिर जब होगा फिर 1,000 इनके सामने दे रहे थे मज्जा वाली जो कोक साहब। अच्छा हमें ये भी सुनने में आया है कि डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ये मौत नहीं ये हत्या, बेटी का जो बच्चा था वो फिलहाल नर्स ने फरमान जारी कर दिया है कि ले जाओ यहाँ से, यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। खैर ना कोई जाँच ना कोई पड़ताल, बिना डॉक्टर की मौजूदगी में घोषित कर दिया गया कि बच्चा मर चुका है। क्या मतलब आप कार्रवाई चाहती हैं ऐसे नर्स के ऊपर? दरअसल मर चुका है सिस्टम जिसने तुम जैसे निकम्मों की फौज को तैनात किया है। डॉक्टर मौज काटता है, नर्स डॉक्टर बन जाती है, लोगों की तकदीर अपने हाथों से लिख दी जाती है। कि मर गया तुम्हारा लाल तुम्हारी ही कोक में, अब कुछ नहीं हो सकता। किसी की सांसें कितनी कीमती हो सकती हैं क्या कोई बता सकता है इस मुल्क में? बताओ मुल्क के मैलॉर्ड क्या उसको सजा मिलेगी जिसने एक ही झटके में कई हत्याओं को अंजाम दिया है, या फिर लापरवाही का दमगा लेकर भुला दिया जाएगा? फिलहाल सीएमओ साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, यमराज ने तो ठान रखी थी कि जान लेनी है तो नर्स का रूप लेकर उतर आए जमीन पर और झपट ली सांसें। कितने होनहार है आपकी सेना के जवान समझा जा सकता है। फिलहाल मुबारक हो बड़े वाले साहब, आप नहीं बदले, आपका ये जांच का प्रवचन हर घटनाओं के बाद होने जैसा ही है। बस अगर कुछ बदला है तो उस माँ का परिवार बदला है, एक ही पल में उसका संसार शमशान में तब्दील हो गया और आपके लिए ये घटना मामूली है। ले भी कराने के लिए गए थे, गए कॉल लगे कि अगर रुपया दो हमें 5,000 तब होगा। अच्छा तो फिर आपने दिए? नहीं ले जाओ और रुपया दिए फिर। अच्छा फिर उसकी उसका स्टाफ नर्स का थी। अच्छा तो आप हटाओ जाएंगे इनसे? अच्छा हाँ, वे हर बेर जाओ जब जो ही करती झाटी कर रही है, जो कर रही करती नहीं है, पैदा पैसा मस्कनी है। अच्छा, इससे पहले भी आपके साथ में कभी कुछ हुआ? 4 महीना पहले और हम करा लिया, जब दे आए थे 3,000 5,000
5,000 जब दे आए थे। अच्छा हाँ। पहले भी इन्होंने पैसा लिया था? पहले भी ला तो पहले कौन लगी थी जवाब बात हम नहीं कर पाएंगे। हड्डी कर रही है जो है कठोरा सो खत्म हो गया। हाँ तो इन्हें फिर रुपया ले लाए पहले जब इन्हें बाद में बताई जिंदा भाव है तो इन्हें हुकूम के ठोक दो सुबह मर गाओ। अच्छा पहले इन्होंने मतलब पैसे लिए क्या? पहले इन्हें रुपया 5,000 लाए। अच्छा हाँ और हमारे एक भाई की भाव का एक मोड़ा भाव तो पहले इन्हें 5,000 लिए थे। अच्छा हाँ तो इनकी जीप लपकी गई है इन्हें ऐसे ऐसे हटाओ जाए इन बाबाई पीएससी के अंतर्गत स्टाफ नर्स के द्वारा एक प्रसूता से पैसे लेने की शिकायत का वीडियो हमें मिला है। उसमें हम अपने एसीएमओ से जांच करा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आज कल में हमें मिल जाएगी। उसके उपरांत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मरीज से पैसे लेने की शिकायत किसी भी स्टाफ या चिकित्सक द्वारा और दुर्व्यवहार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जो वीडियो में जो तथ्य सामने आए उनकी पुष्टि होती है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।